कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से अपनी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जहां भी राज्यसभा सांसदों को निधि मिली है वहीं पर पार्टी हार गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध करने वालों को सांसद का प्रतिनिधि बनाया जा रहा है। क्या ईवीएम ने कांग्रेस का विरोध करने वालों को प्रतिनिधि बनाओ? क्या ईवीएम ने कहा कि हारने वाले इलाकों में सांसद निधि खर्च करो? आगे लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं, ये ईवीएम का दोष नहीं भीतरघात है। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने यह कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं? कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई। ऐसा नहीं है, ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हारने के लिए, हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में उनको आकलन करने की जरूरत है। आज सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ लगी और तो कुछ बचा नहीं, तो सांसद प्रतिनिधि बनो। और उनको चुन चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में विरोध किया था। ये कुमराज का उदाहरण, संभवतः वो लोग सभा में होंगे भी, तो ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, लक्ष्मण सिंह को हम सुन रहे थे अपनी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे थे, नाम हालांकि उन्होंने नहीं लिया लेकिन ये इशारा किसकी तरफ था? कौन वो वरिष्ठ नेता है जिनको वो घेरते हुए नजर आ रहे थे? देखिए, मध्य प्रदेश के सांसदों को घेरते हुए लक्ष्मण सिंह नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सांसद 3 हैं और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से बात की जाए तो उनके एक भाई भी सांसद हैं जो कि हैं दिग्विजय सिंह। इसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर लक्ष्मण सिंह यहाँ पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं अपनी पार्टी को घेर रहे हैं और कई चीजों को लेकर देखिए वो मुद्दे उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बीजेपी को यहाँ पर मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने का। ये वीडियो करीब 1 महीना पुराना कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है लेकिन इसमें साफ तौर पर जो है लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ पाए या जीत पाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में दलालों की भरमार हो चुकी है। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय कर ले, शीर्ष नेतृत्व को लक्ष्मण सिंह यहाँ पर सीधी चुनौती दे रहे हैं कि या तो वो तय कर लें कि दलालों के साथ उनको पार्टी चलानी है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी चलानी है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के संगठन से ही जो है जीत या हार तय होती है और इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी को लेकर काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं और पार्टी के वर्किंग सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को अब दरकिनार करने की जरूरत है और असल में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि मेहनत करते हैं उनके साथ काम करने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए कई चीजों को लेकर यहाँ पर लक्ष्मण सिंह सवाल उठा रहे हैं कि कैसे जो है दूसरी पार्टी बनाने की भी बात यहाँ पर उन्होंने कह दी कि कैसे कुछ जो नेता थे चाहे बंगाल की बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें उन्होंने कहा कि उन नेताओं ने जो है पहले कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा, उन्होंने जाकर अपनी अलग पार्टी बनाई और वो पार्टी जीती है। कहीं मध्य प्रदेश में भी यही हालात ना बन जाए इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह हो रही है वो निकलकर सामने आ रही है और शायद ये टूट की बड़ी वजह ना बन पाए। कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह ये बताने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व को कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में वाकई में उन लोगों को हम कह सकते हैं कि आगे लाने की जरूरत है, उन लोगों को सामने रखने की जरूरत है जो कि वाकई में पार्टी के संगठन को मजबूती देने का काम करते हैं, ना कि उनके साथ जो कि जो है दूसरे तरीके से काम करते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है। और कहीं ना कहीं जो शिकायतें कांग्रेस पार्टी के अंदर से सामने आई है कि कैसे कुछ लोगों ने जो है अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण
सिंह सीधा शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश के संगठन को लेकर सभी को यहाँ पर घेर रहे हैं कि क्या कुछ वजह कांग्रेस पार्टी की हार की रही, और अगर यही सब चलता रहा तो शायद लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस यही प्रदर्शन करेगी, ऐसा लक्ष्मण सिंह ने साफ तौर पर अपने बयानों के जरिए इशारा दिया है। जी अमिताशी, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये वीडियो का सामने आना, क्या इसके बाद पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और पार्टी का ऐसा कहना है कि ये लक्ष्मण सिंह का निजी बयान है, यानी कि पार्टी ने भी कोई उनको सपोर्ट नहीं किया है उनके बयान को लेकर, और ये पहली बार का नहीं है। इसके पहले भी लक्ष्मण सिंह कईयों बार ऐसे बयान दे चुके हैं जहां पर अपनी ही पार्टी को वो खुली चुनौती देते हैं, अपनी ही पार्टी को एक तरीके से नसीहत भी देते हैं। और इस बार तो देखिए उन्होंने अपने भाई को लेकर भी बात की, 20 साल पहले बीजेपी ने उनको मिस्टर बंटाडार नाम दिया था, अब इसको लेकर भी आकलन करने की जरूरत है कि ऐसा नाम क्यों दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने के ऊपर वो जो है इशारों में कुछ बात कहना चाह रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के अंदर जो भी अंतर्कलह चल रही हैं उनको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर बता रहे हैं कि यही वजह रही है जो कांग्रेस के कई जमे जमाए विधायक हार गए और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव के टाइम पर। ये बयान जो है वो थोड़े डैमेजिंग कांग्रेस के लिए हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी को बहुत मौका मिल गया और ऐसे में इस तरह का बयान आ रहा है, ये कांग्रेस को नुकसान इसका देखने को सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और बड़ी खबरें दर्शकों को अपडेट करवा दें, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इधर एक और बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय को प्रभारी बना दिया गया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अमृतांशी, इस खबर पर आपके पास क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कई राज्यों को लेकर बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के प्रभारी और सहप्रभारी घोषित किए हैं। इसमें महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय को प्रभारी और सहप्रभारी बतौर जिम्मेदारी सौंपी गई है। महेंद्र सिंह की बात की जाए तो एमएलसी मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वाकई में बहुत अच्छे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ के भी देखिए प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं और मध्य प्रदेश को जानते भी बेहतर तरीके से, यहाँ की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह का यहाँ पर आना, क्योंकि इसके पहले भी जब आपको याद होगा जब प्रवासी विधायक एक तरीके से उतारे गए थे मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी इन सभी नेताओं को लेकर लाने वाले भी वही थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की जरूरत यहाँ पर है और यहाँ पर बीजेपी ने इसलिए उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर सतीश उपाध्याय जो कि एक्स स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं दिल्ली के, उनको यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बहुत ही हम कह सकते हैं कर्मठ नेता है और कर्मठ नेता होने के साथ साथ राजनीतिक संगठन का जो ज्ञान है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। अब देखिए लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी और सहप्रभारी हैं इनको सबसे पहली जिम्मेदारी है कि संगठन को मजबूत करना, जो मोर्चे हैं उनको मजबूत करना, और यही जिम्मेदारी के साथ अब देखिए ये प्रदेश में आना शुरू करेंगे। अब क्योंकि घोषणा हो गई है तो देखिए अब इनका दौरा लगातार यहां पर बना रहेगा, मध्य प्रदेश के संगठन से भी कॉन्टैक्ट करेंगे, जो केंद्रीय संगठन के रोड मैप होंगे वो यहां पर लेकर आएंगे, उस हिसाब से अब संगठनात्मक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और संगठन के स्तर पर बीजेपी को मजबूत करना, क्योंकि बीजेपी ने 51% वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनावों में भी हासिल किया था, लेकिन इस बार उसको और भी ज्यादा बढ़ाकर और बेहतर तरीके से काम करना ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है, जो कि केंद्रीय संगठन ने अपने हम कह सकते हैं कि मोहरे एक तरीके से उतार दी है और अब यहां पर जो है वो पूरी अपनी बिसात बिछाते हुए नजर आएंगे। जी तो चलिए नजरें आप बनाए रखिएगा अमृतांशी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।